बच्चों, आज हम संस्कृत का एक पाठ पढ़ा रहे हैं, नवा पाठ। ये लिखा है नवमा पाठ शरीरस अंगानि, शरीर के अंग। संस्कृत में कैसे याद करेंगे? संस्कृत में इंग्लिश में तो सबको याद है, संस्कृत में देखो पहला आ रहा है ललाटम, इसका हिंदी होती है मस्तक। मस्तक करना, इसको बोलते हैं कान। कान की संस्कृत है कर्ण। ये कर्ण लिखा है, इसकी हिंदी है कान। कपोला, इसकी हिंदी है गाल। मुखम, मुख या मुंह। ठीक है, कंठा, कंठ मानी होता है गला। उद्रम, उद्रम मानी होता है पेट। नाभि, नाभि को नाभि बोलते हैं, क्या बोलते हैं? नाभि। टुंडी बोलते हैं, टुंडी। क्या बोलते हैं? टुंडी। ये भी बोलते हैं कटी। ये लिखा है कटी, मानी कमर। क्या बोलते हैं? संस्कृत में बोलते हैं कटी और हिंदी में बोलते हैं, इसे टुंडी बोलते हैं नाभि को। अब आ जाओ उधर, नखा, नाखून। ये नाखून मारते हैं दूसरे को। यस सर। उरु, उरु मानी क्या होता है? उरु मानी होता है जांग। केसा मानी होता है बाल। बोलो मत। नेत्र मानी होती है आंख। नासिका मानी होती है नाक। अधरा मानी होता है होठ। स्कंदा मानी होता है कंधा। बक्षा मानी होता है सीना। हस्ता मानी होता है हाथ। अंगुल मानी उंगलियां। ये होता अंगुष्ठ मानी होता अंगूठा। जानू मानी होती है, जानू मानी होता घुटना। चलना मानी होता पैर। ये सारे बच्चे लिखेंगे और इसको याद कर ले, तभी हम एक गतिविधि कराएंगे इंटरवल के बाद। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।